इंडिया गठबंधन चलेगी और जो जिनको देखना होगा वो देखते रहेंगे। नहीं वो बातचीत है जो चलती रहेगी, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ समस्तीपुर और दरभंगा, वहाँ पे हमारे आम सभा है वो करके आएंगे। लगातार 0.1 से भी कम है, 5,000 से ज़्यादा केस तक फाइल करो और 23 लोग हैं जिसके ऊपर कन्वेक्शन होती है। कैसे बताएं, सरकार ने किया और वो अगर जो सरकार ने अगर रिलीज किया तो जिम्मेदारी से तो किया ना भाई। अब राजस्थान में भी जाते हैं, अब उनको ये पछ ले रहा है। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से लगातार सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं हो रही है और ऐसे में जो तमाम इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं वो लगातार एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर से CPIM के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी जो हैं वो पटना पहुंचे हैं और ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग की बातों को लेकर जो बातें हैं उसको टाल दिया और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गए और केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय जाँच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो है वो बिल्कुल ही केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष को परेशान करने में कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर जो मामला फंसा हुआ है उस पर उन्होंने हंसते हुए कह दिया कि हाँ बातचीत हो रही है, चल रही है, लेकिन ये सीट शेयरिंग कब होगी, कब फाइनल होगी, ये तमाम बातें जो है वो सीताराम येचुरी ने नहीं बताई और हंसते हुए टालते हुए बातों को निकल गए। क्या कह रहे हैं सीताराम येचुरी, पहले हम आपको सुनाते हैं। सर NDA के लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अब चलने वाला नहीं है, ये टूट कर जल्द ही बिखरने वाला है। इंडिया गठबंधन चलेगी और जो जिनको देखना होगा वो देखते रहेंगे, जो समर्थन करने वाले समर्थन करते रहेंगे। आप लोग समर्थन करने की बात कर रहे हैं पर लगातार NDA के लोग हैं जो निशाना साध रहे हैं, सवाल जवाब करें, बोले कहाँ है इंडिया वाले, उन लोगों का अपना कोई, अरे उनको जो बोलने दीजिए ना, देश की जनता से मतलब है हमें, उन लोगों से नहीं, देश के लोगों से मतलब है और वो समर्थन कर रहे हैं। सर एक बार फिर पटना है क्या, सीट शेयरिंग का एक बार फिर से बातचीत करेंगे? नहीं वो बातचीत है जो चलती रहेगी, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ समस्तीपुर और दरभंगा, वहाँ पे हमारे आम सभा है वो करके आएंगे। लगातार सर आपके गठबंधन दल के लोग को ED गिरफ्तार कर रही है सर, अभी हाल फिलहाल में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय प्रसाद सिंह का गिरफ्तार हुआ, तो क्या लग रहा है कि विपक्ष को परेशान कर रही है सरकार? बिल्कुल ईडी का पूरा दुरुपयोग हो रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर कोई इल्ज़ाम सही है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। कन्विक्शन रेट कितना है? 0.1 से भी कम है, 5,000 से ज़्यादा केस तक फाइल करो और 23 लोग हैं जिसके ऊपर कन्विक्शन होती है, क्या मतलब क्या है? सता रहे हो, अरे लालू जी नीतीश जी से क्या मुलाकात करेंगे इन तमाम मुद्दों पर? वो तो लगातार चलते रहती है मुलाकातें। क्या इंडिया गठबंधन और कैसे मजबूत होगा सर, क्या कुछ राजनीति बन रही है, आगे क्या रणनीति है सर इंडिया का? आप बड़े परेशान लग रहे हो उसको लेके, जनता करेगी मजबूत, आप फिक्र मत करिए। क्या क्या है, भाजपा सवाल खड़े कर रही है कि आंकड़ों में गड़बड़ी हुई है, लेकिन सर अब कांग्रेस पूरे देश में भी जाति गणना करने की मांग कर रही है, आप कैसे? तो हम तो पहले से ही मांग कर रहे थे कि जाति जनगणना करवाइए, और पिछले नौ साल में कराया क्यों नहीं भाजपा, घबरा क्यों रहे हैं? बिहार में जो गणना हुई है सर, क्या उसके आंकड़ों में गड़बड़ियां हैं, आप इसको कैसे? हम कैसे बताएं, सरकार ने किया और वो अगर जो सरकार ने अगर रिलीज किया तो जिम्मेदारी से तो किया ना भाई। विपक्ष कह रहे हैं कि गड़बड़ियां हुई हैं, घालमेल हुई है, अब राजस्थान में भी जाती जनता, अब उनको ये पछ ले रहा है कि भाई इस तरीके की सर्वे हुई है BJP को, अब उस कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। सवाल ये है कि ये बताइए, अगर OBC की फिक्र है आपको तो पिछले 10 सालों में क्यों नहीं करवाया आपने? करेक्ट टेबल पर बैठ करके काम हुआ किसका? जातीय गणना। अरे वोट का जो भी है, ये सरकार है, सरकार जिम्मेदारी लेगी, ली है। सीधे तौर पर CPIM के राष्ट्रीय महासचिव और इंडिया गठबंधन के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र पर तो उन्होंने जमकर हमला बोला, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनसे उनके गठबंधन को लेकर सवाल पूछे गए और जो गठबंधन में जो पेच फंसा हुआ है सीट शेयरिंग का मामला उसको लेकर जब उनसे सवाल पूछे गए तो कहीं ना कहीं वो हंसते हुए बात को टालते हुए वहां से निकल गए।
विशाल भारद्वाज, NBC News 24 पटना।